हेलो डी टेंथ क्लास स्टूडेंट्स सो वी वर ऑन चैप्टरेशन पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन को हम अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं दैट इज ब्रीदिंग बट कमिंग ऑन द रेस्पिरेशन पार्ट रेस्पिरेशन पार्ट का भी मतलब सेम ही होता है ऑक्सीजन को लेना सीओ टू को देना

लंग से याद रखना है, right है वो हमारी राइट लंग right होती है ये लंग्स एक लाइक स्ट्रक्चर -like से अटैच होती है और ये लाइक स्ट्रक्चर फाइनली कहाँ खुलता है नेजल पैसेज नेजल पैसेज का दूसरा नाम क्या होता है नोस्टल्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जैसे कि आप लेबलिंग देख रहे हैं राइट right? कॉम्प्लिकेटेड तो है बट हम इसको इजी वे में समझेंगे सबसे पहला पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का या ब्रीदिंग सिस्टम का होता है नोस्ट्रल्स नोस्ट्रिल के हमारे टू पोर्स होते हैं विच कन्वर्स टू फॉर्म अ नेजल पैसेज द इनर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रल इज लाइन बाय हेयर हमारे नोज में हेयर होते हैं जो वेट रहते हैं हमेशा ड्यू टू द दिक्रीशन ऑफ म्यूकस और ये जो म्यूकस होता है ये क्या करता है हमारे जितने भी बाहर की गंदी डस्ट पार्टिकल्स आ रही हैं जो हम बाहर से इनहेल करते हैं उसको वहीं रोक लेता है सो so दैट हमारी जो ट्रैकि है उसके अंदर गंद ना सो एयर इज अप इट एंटर्स द पैसेज आप जितनी भी ठंडे इलाके में चले जाएं, बट द एयर इज वार्म इन द नेसल पैसेज एंड नेजल पैसेज के अंदर जो म्यूकस की सेक्रीशन हो रही है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो वेट क्यों रहता है सो so दैट वो फटाफट से डस्ट पार्टिकल्स को ले ले और वहीं पे स्टॉप कर दे तभी हमें अपने नोज को बार बार क्लीन करने की नीड पड़ती है सेकेंड बात करते हैं फैरिंग्स की फैरिंग्स एक ट्यूब ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जैसे कि आप यहां देख रहे हैं सबसे पहले आपने बनाया नोस्ट्रल नोस्ट्रल के बाद यहां पे क्या आया मींस द नेजल पैसेज एक फैरिंग ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो नेजल पैसेज के बाद आता है फैरिंग्स के बाद एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी नाम देते हैं सो so आपको यहां से वन मार्क का एमसी द वॉइस बॉक्स तो आपने क्या लिखना है लैरिंग्स

देखो ऑक्सीजन अंदर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है बट एक ऐसा भी तो टाइम होगा जब ऑक्सीजन और सीओ टू दोनों की कमी फील होती है आपको जब हम हिली एरियाज में जाते हैं सो इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये जो ट्रैकिया की दोनों वॉल्स हैं ये कोलैप्स ना हो जाए इसलिए क्या प्रेजेंट होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज को एक और नाम दिया जाता है कार्टिलेजनस रिंग्स अब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या लिखना है कार्टिलेजनस रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर

देखो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाय इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स नाउ व्हाट आर द ब्रोंकियोल्स जब बहुत सारी ब्रांचेस ब्रोंकाए बना देती हैं या सब ब्रांचेस बना देती हैं उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियोल्स के बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सैक मींस एक कट्टा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस लाइक स्ट्रक्चर -like को हम क्या बोलते हैं एल्वियोलाय इज द एंड साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब अगर आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो वो फाइनली आके रुकेगी एलवियोलाई में अब एल्वियोलाई क्या होता है एल्वियोलाई की एक बहुत छोटी सी थिन मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज क्यों प्रेजेंट होती है यहाँ पे सो so दैट जो ऑक्सीजन है वो आप अंदर ले लें और कार्बन डाइऑक्साइड आपको ब्लड बाहर दे दे क्योंकि आपको पता है जब हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं ह्यूमन हार्ट डिस्कस करते हैं उसमें हम डबल सर्कुलेशन पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होने के लिए हमेशा कहा जाता है लंग्स में अब आपको क्वेश्चन आएगा लंग्स के भी किस पार्ट में जाता है एल्वियोलाई में क्या होने प्यूरिफाई होने मीन्स डी ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन है वो किसको दे दिया एल्वियोलाई को और एक्सचेंज में एल्वियोलाई से ऑक्सीजन वाला ब्लड ले लिया सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन इन एलवियोलाई टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंशियल ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंशियल द एक्सचेंज ऑफ टेक्स प्लेस और जो हमारे हार्ट में प्यूरिफाइड ब्लड आता है वो भी किसके थ्रू आता है लंग्स और लंग्स में किसके थ्रू एलवियोलाई के थ्रू अगर आपको आ जाए कि राइट द पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम तो सबसे पहले हमने एयर कहाँ से ली नॉस्ट्रिल्स नॉस्ट्रिल्स के बाद कौन आया नेजल पैसेज नेजल पैसेज के बाद नेजल कैविटी

नोस्ट्रिल so नोस्ट्रिल को एक और नाम दिया जाता है नेजल पैसेज। उसके बाद यहां प्रेजेंट होती है फैरिंग्स फैरिंग्स के बाद प्रेजेंट होती है लैरिंग्स लैरिंग्स को एक और नाम दिया जाता है वॉइस बॉक्स जहां से हमारी वॉइस जनरेट होती है उसके बाद प्रेजेंट होता है ट्रैकिया ट्रैकिया के अंदर क्या प्रेजेंट होती है सी शेप रिंग ऑफ कार्टिलेज जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेजनस रिंग्स उसके बाद हमारा जो ट्रैकिया है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है और ये, जो है, ये दोनों तक होती है। इसको हम बोलते हैं bronchi. Bronchi उसके बाद बहुत सारे -like में पहुंच जाती है बहुत सारे स्टेम में अपने आप को कन्वर्ट कर देती है इस लाइक स्ट्रक्चर -like का नाम क्या होता है ब्रोंकियोल्स के एंड पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं एलविओलाय लेकिन ये जो है, ये जो कवर्ड होती है हमारे हमारे पास पेयर ऑफ क्या प्रेजेंट होता है लंग्स तो दीज आर द लंग्स। ठीक है लंग्स हमारे किससे कवर्ड होती हैं, हड्डियों से कवर्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं रिपकेज रिबकेज के नीचे एक सी शेप्ड पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं डायफ्राम डायफ्राम अब आप एक चीज बताइए सपोज ये एक दो बलूनज हैं और मैंने यहां से हवा भरी तो ये बलूनज फूल जाएंगे फूलेंगे तो ये डायफ्राम हमारा क्या हो जाएगा फ्लैट ये चीज हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में ब्रीदिंग का मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है डायाफेग्राम से मैंने आपको बताया कि डायाफेग्राम ये होता है ये जो शेप प्रेजेंट होती है सपोज ये एयर इन आ रही है ये हमारे ट्रैकिया है ये हमारी दो लंग्स हैं इसमें एयर इन आ रही है तो ये लंग्स क्या हो जाएंगी ये लंग्स फूल जाएंगी जैसे ये लंग्स फूलेंगी तो क्या होगा ये जो डायाफेग्राम है ये क्या बन जाएगा फ्लैट Means आ जाएगा डाउन और जो रिप्स हैं वो कहां हो जाएंगी मूव आउट क्यों मूव आउट हो रही है क्योंकि हमारा सपोज ये दो गुब्बारे हैं दो बलून है सो द इज द्रेन विच सेपरेट दसिकॉम द कैविटी नाउ वॉट इज द मीनिंग ऑफ थोरासिक जो हमारे माउथ से लेकर हमारे डायाफेग्राम तक कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं थोरासिक कैविटी ठीक है जी लेकिन तो जो हमारे डायफेग्राम से नीचे वाली होती है इंटेस्टाइनल पार्ट स्टमक पार्ट पार्ट, वो कौन सी कैविटी में आता है कैविटी, राइट सो वेन द डायफेग्राम मूव डाउन द लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर इज इनहेल्ड इनहलेशन मीन्स ऑक्सीजन को अंदर लेना अब ऑक्सीजन अंदर लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी तो छोड़नी पड़ेगी एक्सलेशन भी तो करनी पड़ेगी अगर एक्सलेशन किया तो जो आपके बलून हैं, दो लंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी अब श्रिंक हो जाएंगी मीन्स पतली हो जाएंगी जैसी वो पतली हुई इसने कौन सी शेप ले ली सी शेप ले ली अब डायफेग्राम क्या हो गया मूव अप क्यों मूव अप हुआ क्योंकि एयर को हमने अब भेजना है बाहर। कौन सी एयर को कार्बन डाइऑक्साइड को वो एयर कौन से पार्ट से जा रही है एलवीओ ठीक है अब क्या हो जाएगा रू जो रिब्स होंगी वो इनवर्ड मूव होंगी पहले मूव आउट हो रही थी अब मूव इन इनकी सो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज मैकेशन एंड एक्सलेशन इनहलेशन मींस ऑक्सीजन का लेना एक्सलेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड का देना ड्यूरिंग इनहलेशन कैविटी एक्सपैंड एंड एक्सलेशन की तरफ कॉन्ट्रैक्ट सुकड़ जाती है रिब्स लिफ्ट अपवर्ड इस पर रिब्स लिफ्ट डाउनवर्ड्स डाफेग्राम बिकम्स फ्लैट डायाफेग्राम बिकम्स डॉम शेप्ड वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजे बट एक्शन में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एयर क्या हो रही है एग्जिट हो रही है फ्रॉम द लंग्स राइट सो दिस वॉज अवर टॉपिक ब्रीदिंग हम लोग रेस्पिरेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं ब्रीदिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या स्टार्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या पढ़ेंगे ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट अब कुछ स्टूडेंट्स को अगर ये डायग्राम क्लियर ना हो ड्यू टू ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम सो स्टूडेंट्स वट यू विल डू आप अपनी बुक में से एनसीआरटी में से पेज नंबर वन जीरो फोर से भी डायग्राम बना सकते हैं पेज वन जीरो फोर एनसीआरटी में से राइट right. अगर आपको वो डायग्राम बहुत टिपिकल लग रहा है तो जैसे सिंपल वे में मैंने आपको बनवाया है आप ये डायग्राम भी साफ सा बना सकते हैं ओके क्लास सो वी हैव कंप्लीटेड बोथ द टॉपिक्स ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विथ ट्रांसपोर्टेशन थैंक यू